और विरासत का सारा माल समेट कर खा जाते हो, माल से मोहब्बत के अंदर तुम बुरे फंसे हो। विरासत का माल खाना क्या, ये भी हम देखते हैं आम है, कौन किसी की बहनों का फूफी का कौन देता है, कोई नहीं देता, खा जाते हैं। बल्कि वो कहते हैं भाई शादी कर तो दी थी इसकी, इतना सारा खर्च कर दिया, इतना दहेज दे दिया, तो देखो फिर उसके बाद में लड़की आ गई थी, दो साल तक घर बैठी रही, बैठे बैठे खिलाते रहे इसको, केस भी चल रहा था उसमें पैसा लगाया। ये सब तो अलग चीज़ है, वो तो देना ही है, उसके विरासत को अल्लाह ने हक रखा है, तो वो भी तुम खा जाते हो, माल की मोहब्बत में फंसे हो, वो भी नहीं देते हो, विरासत का भी माल समेट कर खा जाते हो। तो सब का हक देना है, तो नेकी में सब चीज़ें नेकी के अंदर है। तो ये रिश्तेदारों का, कराबतदारों का, तो कराबतदार ये भी हो सकता है टेम्परेरी, कौन जिससे हमने एक टेम्परेरी रिश्ता कायम किया मुसाफिर के साथ में, जरूर नहीं कि जो हमारा क्या हमेशा जो पैदाइशी रिश्तेदार हो वो, बल्कि वो भी है जिससे हमारा कुर्ब, जिससे हमने पास सफ़र पर हमने उससे दोस्ती कर ली, तो ये भी हमारा करीबी है, तो इसके भी तुमको देना पड़ेगा, इसको अगर कहीं मजबूरी फंसी तो इसको भी तुमको देना है। उसके अलावा फिर अल्लाह के रसूल सल्लम तो यहाँ तो फरमाए कि कराबतदार कौन है, करीब, करीब वाले कौन है, बोले तुम्हारे आसपास के 40 घर इधर वाले, 40 घर इधर वाले, इनको भी देखो कि यहाँ पर कोई भूखा तो नहीं, इनके भी हक तुमको देना पड़ेंगे। और बल्कि यहाँ तक फरमाए कि वो आदमी उसके तारीफ से, वो आदमी ईमान वाला नहीं, वो आदमी ईमान वाला नहीं, वो आदमी ईमान वाला नहीं जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए और ये भर पेट भर कर खा जाए, यहाँ तक फरमाया गया। तो नेकी के अंदर ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। और साहिल के, साहिल को झिड़को मत, साहिल को दो, यानी कि जो सवाल करते हैं उनको भी दो। अब इसके अंदर ये भी चीज़ सोच सकती है कि हम कहते हैं यार ये तो बार बार लोग चरसी है, कोई शराब पी रहे हैं, और ये भी आते हैं बार बार मांगने के लिए, तो आप उसको झिड़को मत। ये अल्लाह को सख्त नापसंद है, अल्लाह के रसूल सल्लम से भी हमको ये नहीं मिलता कि वो चाहे हो चरसी हो, लेकिन हो सकता है कि आप उसको देख रहे हो कि चरसी हो, शराबी हो, और वो इसीलिए लोगों से पैसे इकट्ठे करके ना उसके अंदर वो करता हो, लेकिन हो सकता है जिस दिन आपसे मांगा उस दिन वाकई ज़रूरत थी, उस दिन वो भूखा था, आपको तो नहीं, आपको क्या मालूम कि उसके जाकर वो चरस पीता है, शराब पीता, हो सकता है कि उस दिन भूख की वजह से मांग रहा हो और आपने उसको झिड़क दिया, ये बात अल्लाह को नापसंद गुजरी है। आपको नहीं देना है तो आप उसको सीरियस जो अखलाक के साथ में उसको मना कर सकते हो, लेकिन झिड़क नहीं सकते हो, झिड़कना तो खास जो है अल्लाह को पसंद नहीं कि कोई उसको झिड़के।